और जब भी नज़दीक और भगवान जी के पास जब भी उनको लेकर गए और उनको कहे कि प्रभु का दर्शन करने के लिए ये नील माधव है, तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से भगवान का दर्शन करना प्रारंभ करते हैं। और भगवान का दर्शन असलियत में हमेशा चरण कमलों से होना चाहिए। उन्होंने चरण कमलों से दर्शन करना प्रारंभ करते हैं। बड़े सुंदर से जो चरण कमल है, जिनकी सेवा में हमेशा लक्ष्मी जी लगी रहती है, जिन चरण कमलों को धोकर आया हुआ पानी को ही गंगा कहा जाता है, जिस चरण कमल को धोकर पानी को ब्रह्मा जी अपने सर पर, शिव जी ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में और शिव जी अपने माथे पर धारण करते हैं, इस प्रकार के चरण कमलों का दर्शन जो विद्यापति हैं अभी कर रहे हैं। उन चरण कमलों का दर्शन करते करते भगवान के पैरों में जो पायल है, जो घुंघरू है, उसका वो दर्शन करते हैं और अत्यंत मंत्र मुग्ध होकर वो दर्शन करते करते फिर भगवान जी की माला का दर्शन करते हैं, जो गले से लेकर चरणों तक जो है वो फैला हुआ है वैजयंती माला। उस वैजयंती माला को दर्शन करके विद्यापति बड़े धन्य हो जाते, प्रार्थना करते हैं, वैजयंती माला कितने सौभाग्यशाली हो कि आप गले से लेकर भगवान के चरणों तक जो है आप अपना लंबाई को बनाए रखे हो। फिर वो वहाँ से धीरे धीरे से भगवान के घुटनों तक भगवान का पीताम्बर का वो दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते आगे ऊपर जब भी जाते हैं भगवान की कटी देश में कटिबंध बंधा हुआ है उनका दर्शन करते हैं। फिर भगवान का जनेऊ, भगवान का नाभि कमल और उनका कमर को दर्शन करते करते वो आगे उठते हैं, तभी भगवान के चतुर्भुज का दर्शन करते हैं जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रभु। फिर वो वक्षस्थल का दर्शन करते हैं जहाँ पर कौस्तुभ मणि लटक रहा है जो भगवान को शोभा को बढ़ाता है और साथ साथ में श्रीवत्स है, उस श्रीवत्स चिन्ह को और उस कौस्तुभ मणि को भगवान का दर्शन करके और वो धीरे धीरे से अपने नजर को ऊपर उठाते हैं और उस शंख चक्र गदा पद्म को भी प्रार्थना करते हुए नजर उठाते हुए भगवान के उस त्रिरेखा युक्त कंठ का दर्शन करते हैं। उस कंठ का दर्शन करते करते अंत में वो पहुँचते हैं भगवान का सुंदर सा मुस्कान तक पहुँचते हैं, वो मुस्कान जो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी मोहित करने वाले उस सुंदर मुस्कान का, दिव्य मुस्कान का दर्शन करते हुए विद्यापति और ऊपर भगवान की सुंदर तीक्ष्ण नासिका का दर्शन करके भगवान के वो कमल लोचन को, उस पद्म लोचन का दर्शन करते हैं जो संसार में सबसे मंत्रमुग्धकारी वस्तु है। फिर वो भगवान के ललाट देश को दर्शन करके, उस मोर पंख का दर्शन करके वो कृतार्थ होते हैं और इस प्रकार के दिव्य भगवान नीलमाधव का दर्शन करके प्रथम बार जीवन में भगवान का स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करके वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। कि नील बोलिए, नील माधव भगवान की।